नमस्कार, बीए ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट पे जिसने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है। भारत के इतिहास में सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना बालासोर जिले में हुई है। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। उड़ीसा स्टेट के बालासोर जिले में रेल हादसा हुआ है। इस हादसे में तीन ट्रेन एक के बाद एक आपस में टकराई, जिसमें दो यात्री ट्रेनें कोरमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई है। इसे ट्रेन हादसे की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानी जा रही है, जिसमें 17 कोच डिरेल्ड हो गई। ये हादसा इतना बड़ा है कि इसके विजुअल्स देखने से ही दिल दहल जाता है। ट्रेन में सवार लोगों के शव यहां वहां बिखरे मिल रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों की संख्या 288 के पार जा चुकी है और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। इस रेल दुर्घटना के मद्देनजर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। फिलहाल अभी राहत और बचाव कार्य जारी है, जिसमें रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुड़ी हुई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बचाव कार्य पूरा होते ही बहाली का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बालासोर में हुए भीषण हादसे के बाद लंबी दूरी की 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेनों के रूट्स बदल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे का दुख जताया है और साथ ही दुनिया के कई देशों के लीडर्स और संस्था जैसे ताइवान, यूक्रेन, कनाडा, यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस घटना के बाद रेल मंत्रालय ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख और घायलों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इधर रेल मंत्रालय ने ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और जांच कमेटी का भी गठन किया है। पूरे देश को स्तब्ध कर देने वाला है। हमारी प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ है। भगवान मृतकों की आत्माओं को शांति दे। धन्यवाद।